लखनऊ में न्यू इंडिया कॉन्क्लेव में पहुंचे पीएम मोदी। 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटली सौंपी। 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को डिजिटली फ्लैग ऑफ भी किया। लखीमपुर में शांति भंग की आशंका के बाद प्रियंका गांधी गिरफ्तार। प्रियंका गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 151, 107, 116 के तहत केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद सीतापुर में अस्थायी जेल में रखा गया। मुंबई रेव पार्टी मामले में हुई 11वीं गिरफ्तारी। उड़ीसा के रहने वाले एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर मामले में एक और वीडियो आया सामने, अनियंत्रित जीप किसानों के ऊपर चढ़ती हुई देखी जा सकती है। इंडिया खबर नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। अमेरिकी दौरे की अपार सफलता के बाद आगामी 30 अक्टूबर को यूरोप जाएंगे पीएम मोदी। G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे शामिल। टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर। सरकार नहीं वसूलेगी स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज। स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का 40,000 करोड़ रुपए था बकाया। सेबी ने आदित्य बिरला मनी पर लगाया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना। कंपनी ने किया था स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन। थॉमस नाम के हैकर की वजह से ठप हुए थे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। अपराधी को जल्दी पकड़ेगी FBI। मार्क जुकरबर्ग को हुआ 52,000 करोड़ का घाटा। IPL में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला आज। दोनों टीमों के लिए मुकाबला है महत्वपूर्ण। और मुंबई ड्रग्स केस में शर्लिन चोपड़ा ने शाहरुख खान पर लगाए गंभीर आरोप। कहा उनकी पार्टियों में बॉलीवुड स्टार्स की पत्नियां लेती थीं व्हाइट पाउडर।